चलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको पैसिव को एक्टिव से पैसिव को चेंज करने के कुछ रूल्स बताए थे। अब हम आपको ये बताएंगे हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे थ्री टेंसेस होते हैं। आपका फर्स्ट टेंस रहता है प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट रहता है पास्ट टेंस और आपका थर्ड टेंस रहता है फ्यूचर टेंस। तो आपकी जो थ्री टेंसेस है इनको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? आपने देखा होगा कि इन तीन टेंसेस में इनके कई हम डिवाइडेशन भी करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस को फोर टाइप डिवाइड करते हैं। एक तो रहता है इंडेफिनिट, दूसरा रहता है कंटिन्यूअस, थर्ड रहता है परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी टाइप से पास्ट के लिए होते हैं, इसी टाइप से फ्यूचर के लिए होते हैं। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम अगर प्रेजेंट के फोर में डिवाइडेशन करते हैं, पास्ट के भी फोर में डिवाइडेशन करते हैं और फ्यूचर के भी अगर फोर में डिवाइडेशन करते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे हो जाएंगे फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व टेंस हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हर एक टेंस के अंदर तीन फोर डिवाइडेशन होते हैं, इसलिए हमारे तीन टेंसेस के थ्री टेंसेस के फोर फोर के अकॉर्डिंग ट्वेल्व डिवाइडेशन हो जाते हैं। तो अब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करने के हमारे ट्वेल्व रूल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक्टिव से जो हम पैसिव में चेंज करते हैं इसके ट्वेल्व रूल ना होकर केवल एट ही टेंसेस हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब वो एट टेंसेस है कौन से? ठीक है, तो ये हम बताना है एट टेंसेस को है कौन से। सबसे पहले प्रेजेंट को हम देखते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट चेंज होता है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस चेंज होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट चेंज होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होता है। इसी टाइप से अगर पास्ट का देखते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटीन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम एक तरीके से केवल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपका आपका प्रेजेंट टेंस, ये हो गया आपका पास्ट टेंस, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। अब किसका होना है किसका नहीं होना, आप देख लीजिए इस टेबल को। अगर हम इसको देखते हैं तो सबके इंडेफिनिट होते हैं, सबके कंटीन्यूअस होते हैं, सबके परफेक्ट होते हैं और सभी के परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें एट कौन से बनते हैं? जब हम इसको देखते हैं तो कितने आते हैं? फोर, मुझे एट फोर थी ट्वेल्व, ट्वेल्व में एट कौन से बनते हैं? हमको ये समझने की जरूरत है कि इसमें एट बनते कौन से हैं, इसमें कौन से ऐसे फोर टेंसेस हैं जिनकी एक्टिव पैसिव चेंज नहीं होती है। सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं किसी भी टेंस की परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होती है। कितने सेंटेंसेस बता रहे हैं इसमें से? वन टू एंड थ्री, थ्री इंडेक्ट कर दो। अब एक टेंस कौन सा बच्चा जिसकी परफेक्ट जिसकी सॉरी एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होती है? थ्री के बाद एक तो राइट है ना फोर, क्योंकि इधर नाइन हो रहा है। अब वो कौन सा है? तो वो टेंस कौन सा है? आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसकी भी एक्टिव को पैसिव चेंज नहीं होती। तो ये आपको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेनी है कि किस टेंस की एक्टिव किस फोर टेंसेस की एक्टिव को पैसिव चेंज नहीं होती है, कि तीनों में से किसी की भी परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होती एंड फ्यूचर के कंटिन्यूस की एक्टिव को पैसिव चेंज नहीं होती। अब इसके बाद में हम पर टेंस आपको एक्टिव को पैसिव चेंज करना सिखाएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हम आपको आज सिखाएंगे। कैसे पता लगेगा आपको? ये ऐसे पता लगेगा
कुछ नहीं, आपको वर्ब की फॉर्म देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई हेल्प पेपर नहीं, ऑनली वर्ब है। वर्ब की फॉर्म कौन सी केस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या देखेगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेंज करने का तरीका आपको बताएंगे, सबसे पहले हम आगे क्या लाएंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट है और लाएंगे। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हेन वी चेंज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव टू पैसिव वी यूज इज एम। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट, तो जब भी हम इसको बनाएंगे ना, ये एक्टिव वर्ब से जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को जब भी सब्जेक्ट बनाएंगे उसके जस्ट हम बाद में क्या करेंगे, इज एम। तो यहां पे क्या रहेंगे, और लाया ए ना इज, ये तो आपको पता ही है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हमेशा वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो किल, थर्ड फॉर्म ऑफ किल इज किल्ड, किल्ड बाय, बाय को पता है मैंने, हमेशा जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाय लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई को हम ऑब्जेक्ट पोजिशन पर लेके आते हैं, आई को हम ऑब्जेक्ट पोजिशन पर लेके आते हैं, तो आई क्या हो जाता है, मैंने बताया था पहले मी, ओके। ये चीज आपको कन्फर्म होगी, तो ये तो आपको ऊपर में चल जाने का हो गया ना। नेगेटिव, नेगेटिव कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव होता कैसा है, नेगेटिव में भी आपको बताया था इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी फाइंड नॉट एंड डज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखते हैं ही, ठीक है सर, डज नॉट, ही डज नॉट ईट फूड, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन इट, ही, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन इट, फूड, कोई भी नहीं था, निजम लगाया यहाँ पे डजेंट, इसको भी निजम ही चेंज करते हैं। फूड इज नॉट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ ईट ईटन, then we use by and after that he, object form of he is him, I think आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो आपको इसे interrogative sentence में question है, in interrogative sentence we use the helping verb first, सबसे पहले हम क्या करते हैं, in the starting of the sentence we use the helping verb in interrogative sentence, तो इसमें helping verb बिल्कुल शुरू में आएगा। इन sentence में helping verb थी क्या, ये affirmative था इसमें helping verb नहीं थी, ये नहीं था इसमें helping verb क्या थी, does थी, ठीक है। यहाँ पे do एड शुरू में आ जाएगा, जैसे do you sing a song, अब यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन में आपको पता टिपिकल ये बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, हमेशा ध्यान रखिए शुरू वाला सब्जेक्ट ही होता है, यहाँ पे do आ गया, यहाँ पे does था, does क्या थी helping verb थी, तो do भी आपकी helping verb है, जो you है यही आपका क्या है सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है एंड ये दिस इज एन ऑब्जेक्ट। चेंज करने का क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तो चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंज करते हैं, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज शुरू में ही रहेगी। इन दिस सेंटेंस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब डज एंड वी चेंज इट इन इज, इसमें भी हम इसको डू एंड इसको इज वर्ब में चेंज कर देंगे, कैसे आगे इसको लिखा है इसको देखेंगे, जो आगे होगा उसके अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आगे आना है आज सॉन्ग को, सॉन्ग ए का इस जमाने में क्या लिखा है, हम चेंज कर देंगे इज, इज अ सॉन्ग, थर्ड फॉर्म ऑफ इट सन, बाय यू को जब हम पीछे ले जाते हैं तो यू का हमारे सामने कुछ नहीं यू रहते हैं। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस यू एक्टिव वॉइस यू पैसिव वॉइस, इस तरीके से हम एक्टिव को पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। अभी आप इसको समझिए, इसको करने की कोशिश करिए, इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, नेक्स्ट टाइम आपकी जो भी वीडियो हम दूसरी डालेंगे उसमें आपको कंटिन्यूस के बारे में बताएंगे। इस टाइप से आपके हम टिप की हर एक टाइप की अलग अलग वीडियो में आपको इस समझेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, थैंक यू।